जर्रे जर्रे में राम की भक्ति, कदम कदम पर सुरक्षा की शक्ति, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती, 2500 सीसीटीवी से निगरानी, कोट पैंट पहने दिखेंगे पुलिस के जवान, चेहरे का रिकॉर्ड रखने वाले एआई कैमरे, पुलिस अधिकारियों के लिए विशेष ड्रेस कोड, 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। हम लोग इस बात को सुनिश्चित करा रहे हैं कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस टेक्निक के माध्यम से और अपनी सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से सभी चीज़ें सुरक्षित रखें, साथ साथ बगल में बहने वाली सरयू जी पर रेवरेंस सिक्योरिटी की व्यवस्था है वो भी हम लोगों ने यहाँ की पेट्रोलिंग के माध्यम से, यहाँ पे जियो फेंसिंग के माध्यम से वो भी हमने की है, और स्थानीय रूप से जो यहाँ के पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं, जो यहाँ के जैसे हमारे नाविक लोग हैं, मल्लाह लोग हैं, हमारे गोताखोर हैं या हमारे वेंडर्स हैं, इन सबको भी सुरक्षा नेट में शामिल किया है। अयोध्या में जल जमीन और आसमान तक सख्त सुरक्षा बंदोबस्त। अवध नगरी अयोध्या इन दिनों ऐतिहासिक आयोजन की तैयारी में जुटी है। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आने वाले अतिथियों के स्वागत का इंतजाम हो रहा है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर अयोध्या नगरी की किलेबंदी की जा रही है। अयोध्या 21 और 22 जनवरी को आम जनता के लिए बंद रहेगी। 22 जनवरी को बिना निमंत्रण वाले लोगों को भारी परेशानी हो सकती है। सुरक्षा में सीआरपीएफ से लेकर यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें तैनात। शहर में भारी वाहनों की आवाजाही पर इस दिन रोक रहेगी। पूरे शहर में 2500 सीसीटीवी हर हलचल पर नजर रखेंगे। पहली बार यहां चेहरे की पहचान के लिए एआई कैमरे लगाए जाएंगे। विजिलेंस हम लोगों को रखनी पड़ती है और ये बात सही है कि सबसे ज्यादा थ्रेट परसेप्शन इस प्लेस का है। उसके हिसाब से विजिबल इनविजिबल दोनों सिक्योरिटी के पैरामीटर्स हैं। टेक्निक का मैक्सिमम हमने कहा यूटिलाइजेशन भी हम लोग कर रहे हैं। हम जो भी सर्विलांस की उन्नत टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको भी इसमें हम समावेश करके रख रहे हैं, और एक टीम के रूप में डिफरेंट हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, इनके बीच में एक आपस में तालमेल जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ, और प्लस हमने कहा यहाँ के स्थानीय लोग उनके साथ एक प्रकार के तालमेल, तो एक प्रकार से तेहरे तरीके से हम लोग एक बेस बना करके एक सिक्योरिटी नेट तैयार करके उस पर काम कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वीआईपी मेहमान जुटेंगे, इसलिए अयोध्या में जमीन ही नहीं आसमान में भी मुस्तैदी रखी जाएगी। अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर लगभग 13,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों का अभेद्य सुरक्षा घेरा होगा। एटीएस कमांडोज और जवानों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए इसे और पुख्ता बनाया गया। जमीन से लेकर आसमान और सरयू नदी के तटों पर कड़ी नजर रहेगी। हम लोगों ने इसमें इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया है और हम कैमरे के दृष्टि से सब पे निगाह रखेंगे, और हमारे जो सिविल ड्रेस में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे वो ये सुनिश्चित कराएंगे कि अपने आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो। आईबी और रॉ के अधिकारियों ने भी अयोध्या में डेरा डाल रखा है और कई स्तर पर सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा की जा रही है। ओएफसी लिंक कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। 12 एंटी ड्रोन सिस्टम के माध्यम से रेड और येलो जोन को सुरक्षित किया गया है। 5 किलोमीटर के रेडियस में उड़ने वाले किसी भी ड्रोन को लोकेट कर निष्क्रिय किया जा सकता है।